छत्तीसगढ़ का मेरा सफर शुरू होता है एक ऐसी जगह से जिसका नाम मैंने कभी अपनी नानी से सुना था रामायण के किस्सों में, चित्रकूट। और चित्रकूट का सबसे स्पेशल अट्रैक्शन है यहाँ का चित्रकूट वाटरफॉल्स। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर ये एक नेचुरल वाटरफॉल है जो इंद्रावती नदी पे बनता है। भारत की सबसे ग्रीन और इको फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट होने के कारण इंद्रावती नदी को बस्तर डिस्ट्रिक्ट का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ये नदी ओडिशा के विंध्या रेंज से शुरू होती है और 535 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद फाइनली महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। चित्रकूट फॉल्स इज अबाउट 100 फीट हाई एंड 1000 फीट वाइड। ये इंडिया का वाइडेस्ट वाटरफॉल है और इसकी हॉर्स शू वाली शेप की वजह से इसे इंडिया का नायग्रा फॉल्स कहते हैं। एंड गोइंग बाय इट्स इनॉर्मिटी आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। हर एक सेकंड में इस झरने से 20 लाख लीटर पानी बहता है। चलिए इस वॉल्यूम को समझने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं। दिल्ली की करंट पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है एंड इट रिक्वायर्स अबाउट 332.4 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, जिसका मतलब ये है कि इस झरने से पर सेकंड 20 लाख लीटर गिरने वाला पानी आधे घंटे में पूरी दिल्ली को वाटर सप्लाई कर सकता है। मतलब कि अगर ये माने कि एक इंसान ऑन एन एवरेज पर डे 2 लीटर पानी पीता है तो पूरे इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन की प्यास ये वाटरफॉल 20 मिनट में पूरी कर सकता है। OMG, ये तो हुई साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब जरा अपने तरीके से समझाता हूं। एक हाथी का एवरेज वजन करीब 4000 किलो होता है, तो इन चट्टानों के ऊपर से गिरने वाले पानी का वेट करीबन 500 हाथियों के वेट के बराबर है। कमाल है यार, यहाँ अगर एक हाथी का पैर किसी इंसान पे पड़ जाए तो उसका कुछ नहीं बचता। इन बेचारे पत्थरों का क्या हाल होता होगा। चित्रकूट की डेप्थ एक ऐसी मिस्ट्री की याद दिलाती है जो शायद ही मैं कभी समझ पाऊंगा। हर सीजन इस झरने का रंग बदलता है। चित्रकूट कुछ अपने ही मूड के हिसाब से चलता है। यहाँ मैं बहुत ही एडवेंचरस महसूस करता हुआ आया था, बट अनफॉर्चुनेटली पानी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो हम पानी में तो नहीं जा सकते, बट पानी के ऊपर तो जा सकते हैं। Which is why I have found myself this flying fox activity organized here by the tourism department and the government of Chhattisgarh. और मेरे अंदर का एडवेंचर कूद कूद कर बाहर आ रहा है। So I'm not going to waste time. They're going to rig me and I am going to go down right there. Standing on the edge of the cliff, and this is going to be awesome. छत्तीसगढ़ का ये एक्सपीरियंस विल स्टे फॉरएवर विद मी एंड एवरीवन हु हैजंट डन दिस बिफोर प्लीज डू इट बिकॉज चित्रकूट इज ऑल वर्थ इट।